दोस्तों आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 मॉडल की और होंडा की सी बी साइन BS6 मॉडल की। ये दोनों बाइक आपको BS4 में आपको 4 गियर आते थे, लेकिन जब BS6 आई है तो आपको इसमें दोनों ही बाइकों में आपको 5 गियर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये दोनों बाइक आपको लगभग सेम प्राइस की आती है, आपको 80 से 85 हज़ार तक की ऑन रोड प्राइस आ जाएगी। और ये दोनों बाइक आपको कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, डेली राइडिंग के लिए बाइक है और 125 सीसी की बाइक है। दोस्तों इसमें आपको 5 गियर मिल गया है, तो ये दोनों बाइक की कंपैरिजन तो करना बनता ही है। सुपर स्प्लेंडर की बात करते हैं तो आपको इसमें अच्छा खासा नया ग्राफिक और नया कलर के साथ उतारा गया है BS6 में। और यहीं अगर CB साइन की बात करते तो आपको इसमें भी अच्छा खासा ग्राफिक और वाइजर साइड पैनल अच्छा खासा इसमें चेंज हुआ है। तो दोस्तों कुल मिला के दोनों का लुक और डिज़ाइन अपनी अपनी जगह पर अच्छा है। दोस्तों आपकी कौन सी मॉडल डिज़ाइन किसकी अच्छी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सुपर स्प्लेंडर में 6 सेंसर मिलते हैं। बैक एंगल सेंसर, दोस्तों ये अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक इंजन बंद हो जाती है। एयर इंटेल टेम्परेचर सेंसर, दोस्तों ऑल वेदर इजी स्टार्ट जो कि दोस्तों किसी भी मौसम में आपको इजीली स्टार्ट हो जाती है, सर्दी गर्मी बारिश किसी भी मौसम में। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, दोस्तों ये इंजन आपकी सेफ्टी बढ़ाती है, लाइफ बढ़ाती है। फ्यूल इंजेक्टर ऑक्सीजन सेंसर, आपके दोस्तों माइलेज बढ़ाती है, बेटर फ्यूल इकोनॉमी। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर और प्रेशर सेंसर, दोस्तों ये 6 सेंसर है, कहीं ना कहीं अपनी योगदान देता है बाइक, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला है सुपर स्प्लेंडर में ये 6 सेंसर का। CB साइन की बात करते हैं तो इसमें आपको ACG स्टार्टर मिल जाता है, साइलेंट स्टार्ट होती है जो कि, और इंजन किल स्विच मिल जाता है। दोस्तों कुल मिला के दोनों में अच्छा खासा फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंजन में आपको क्या बदलाव हुआ है। तो इंजन में आपको पहले कार्बोरेटर इंजन आता था दोनों में, लेकिन अब इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। सुपर स्प्लेंडर की इंजन मिल जाता है 124.7 cc एयर कूल 4-स्ट्रोक OSC फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है। पावर की बात करते हैं तो 10.7 BHP 7500 RPM पे और टॉर्क 10.6 Nm 6000 RPM पे। CB साइन की बात करते हैं तो 124 cc का एयर इंजन मिलता है, 4-स्ट्रोक SI BS6 फ्यूल इंजेक्शन आपको इसमें भी देखने को मिलता है। अरे दोस्तों अगर पावर की बात करते हैं तो 10.72 BHP 7500 RPM पे और 10.9 Nm 6000 RPM पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे पावर पिकअप में कोई ज़्यादा फर्क ढूंढ नहीं पाएंगे आप, तो कुल मिला के पावर पिकअप दोनों ही बाइकों में आपको बराबर ही देखने को मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको 5 गियर देखने को मिलेगा। और स्टार्ट की बात करते हैं तो आपको सेल्फ और किक दोनों ही में मिल जाएगा। हेडलैम्प दोस्तों दोनों में आपको हैलोजन देखने को मिलेगा, इसमें LED का कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मिसयूज है, कहीं ना कहीं इसमें LED हेडलैम्प होना चाहिए था। सस्पेंशन दोस्तों दोनों में लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ब्रेक में कोई बदलाव नहीं है दोस्तों, ब्रेक में आपको लगभग दोनों में सेम ही है, आगे 240 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक और पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक। तो ब्रेक में दोस्तों कोई बदलाव नहीं है, आपको IBS मिल जाएगा सुपर स्प्लेंडर में, तो यहीं आपको CBS मिलेगा CB साइन में। दोस्तों काम एक ही तरह करता है, पीछे वाला ब्रेक दबाएंगे तो आगे वाला थोड़ा बहुत लगता है, तो CBS IBS जो भी है काम एक ही तरह करता है, नाम अलग अलग है। दोस्तों अगर टायर साइज की बात करते हैं तो सुपर स्प्लेंडर में टायर मिल जाता है आपको 80/18 आगे ट्यूबलेस टायर और पीछे 90/90/18 ट्यूबलेस टायर। CB साइन की बात करते हैं दोस्तों तो आपको आगे मिल जाता है 80/18 आगे ट्यूबलेस टायर और पीछे 80/18 ट्यूबलेस टायर। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ 90 mm टायर जो मिल रहा है सुपर स्प्लेंडर में, तो आपको थोड़ा सा 10 mm ज़्यादा चौड़ा टायर देखने को मिल रहा है सुपर स्प्लेंडर में, तो आपको थोड़ी सी रोड ग्रिप अच्छी मिलने वाली है सुपर स्प्लेंडर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाती है सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर के व्हील बेस मिल जाता है 1273 mm, सीट हाइट 799 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm। CB साइन की व्हील बेस मिल जाता है 1285 mm, सीट हाइट 791 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूँ ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है सुपर स्प्लेंडर में, तो थोड़ी आपकी इंजन की सेफ्टी बढ़ जाती है नीचे से। अगर आप 3 लोग भी बैठ जाते हैं और बड़े ब्रेकर आ जाता किसी रोड पे, तो नीचे से इंजन टकराने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, यहीं थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल रहा है CB साइन में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकलती है सुपर स्प्लेंडर। पेट्रोल टैंक आपको 12 लीटर को देखने को मिल जाएगा सुपर स्प्लेंडर में, तो यहीं आपको 10.5 लीटर का देखने को मिलेगा CB साइन में। माइलेज की बात करते हैं दोस्तों, माइलेज आपको सुपर स्प्लेंडर में 60 तक की माइलेज मिलेगी, यहीं आपको CB साइन में
65 तक की माइलेज मिलेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, सुपर स्प्लेंडर में 5% माइलेज बढ़ी है BS6 में, तो होंडा में आपको सीवी साइन में आपको देखने को मिल जाता है 14% माइलेज बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा सीवी साइन में। सुपर स्प्लेंडर की वजन की बात करते हैं तो डिस वाला वेरियंट मिल जाएगा 123 kg का और ड्रम वाला वेरियंट मिलेगा 122 kg का। सीवी साइन आपको 115 kg का डिस्क का मिलेगा और 114 kg का ड्रम वाला वेरिएंट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ओवरवेट है सुपर स्प्लेंडर में, तो आपको थोड़ा सा माइलेज कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्राइस की बात करते हैं तो 68 से 69 हज़ार तक के आपको ड्रम वाला वेरिएंट मिलेगा सुपर स्प्लेंडर, और डिस वाला वेरिएंट पड़ेगा 71 से 72 हज़ार तक का डिस वाला वेरिएंट। दोस्तों यहीं सीवी साइन की बात करते हैं तो आपको प्राइस 67,857 रुपया ड्रम वाला वेरिएंट पड़ेगा और 72,557 रुपया डिस वाला वेरिएंट पड़ेगा। दोस्तों यहां पे प्राइस में लगभग बताया आपको, एग्जैक्ट प्राइस पूरा पता जाके पड़ेगा, आपके शोरूम पे जाएंगे जब पता पड़ेगा। और दोस्तों अगर ऑन रोड प्राइस की बात करता हूं तो दोस्तों ये दोनों बाइक आपको 82 से 85 हज़ार तक की आ जाएगी ऑन रोड प्राइस। तो दोस्तों कुल मिला के ये दोनों बाइक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं ढूंढ पाएंगे, जैसे कि आपको 6 सेंसर देखने को मिलता है सुपर स्प्लेंडर में, तो यहीं आपको सीवी साइन में ACG स्टार्टर मोटर इंजन किल स्विच पावर में और पिकअप में दोनों में दोस्तों बराबर ही देखने को मिलता है। थोड़ा सा चौड़ा टायर देखने को मिलता है सुपर स्प्लेंडर में, थोड़ा सा माइलेज आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा सीवी साइन में। और दोस्तों मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं दोस्तों, मुझे सीवी साइन पसंद है क्योंकि दोस्तों इसकी जो इनिशियल पिकअप है मुझे अच्छी लगती है, अगर क्लच छोड़ते हैं तो झटके लग उठती है, जर्क मार के उठती है, तो ये थोड़ा सा मुझे पसंद है सीवी साइन की। सुपर स्प्लेंडर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लेट उठती है सीवी साइन के मुकाबले, इनिशियल पिकअप आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा सीवी साइन में। दोस्तों ये मेरी राय थी सीवी साइन की इनिशियल पिकअप के बताने के बारे में, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको सुपर स्प्लेंडर पसंद है या फिर सीवी साइन। दोस्तों ये कुछ कंपेरिजन तो जो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए, अगर कुछ रह गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।